नमो नमो जपने वालों का होगा सफाया, ये कहना है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का। जिस तरीके से पहले दूसरे चरण के चुनाव पड़ रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती का ये कहना है कि उनको बेतहाशा वोट पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने गरीबी की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की चौकीदारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि नमो नमो जपने वालों का सफाया हो जाएगा क्योंकि अब आने वाली है जय भीम वालों की सरकार। मायावती ने शाजापुर से कन्नौज में चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कहा कि नाटकबाजी और जुमलेबाजी से सरकार नहीं बनती। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि गलत नीतियों के चलते ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, अब वही दिन आ गए हैं बीजेपी के अपने काम ही उनको ले डूबेंगे। कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया परंतु गरीबों और उनका हक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नोटबंदी व जीएसटी जैसे देश में बर्बाद हुआ है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी फर्क पड़ा हुआ है, परंतु अब जनता भाजपा तथा कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है और अब वह परिवर्तन का दौर चाहती है। उन्होंने कहा कि अब नहीं चाहिए भारत के अंदर जुमलेबाजों की सरकार, सारे देश की जनता जान चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी तक देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का कार्य नहीं क्या है, जिससे चलते आज देश में हमले हो रहे हैं। मायावती उन्होंने कन्नौज का नाम लेते हुए कहा कि कन्नौज को जिला हमने बनाया व अन्य विकास कार्य भी कराए। बसपा सुप्रीमो ने डिंपल को अपने परिवार की बहू बताया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि एकजुट होकर भारी बहुमत से डिंपल यादव को विजयी बनाया। उन्होंने अखिलेश की भी तारीफ की और कहा कि गठबंधन समाजवादी परिवर्तन की एक गति मिल रही है और ये एक मिसाल का काम करेगी। सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन देश में परिवर्तन का काम करेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।